गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इनकम टैक्स की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन इशूड की गई है जो कि सेक्शन 6 से रिगार्डिंग है। सेक्शन 6 डील करता है रेजिडेंसी रूल से, कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा इंडिया में और नॉन रेजिडेंट कब होगा वो सेक्शन 6 आपको बताता है। सेक्शन 6 फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंड किया गया था, उसकी अमेंडेड वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अपडेटेड रहिए अपने नॉलेज को लेकर, जीएसटी अपडेट और इनकम टैक्स अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन इशू की गई है रिगार्डिंग रेजिडेंसी रूल ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे जो फॉरेन सिटीजन इंडियन सिटीजन्स हैं जो विजिट पे आए हुए थे इंडिया, उनका भी रेजिडेंसी रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ब्लंडर्स हो सकते हैं और वो रेजिडेंट यहाँ पर फॉल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू की गई है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर नंबर 11 इशू किया गया है क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंसी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर 8 मई की डेट में आज ये सर्कुलर इशू किया है, बताया है कि सेक्शन 6 जो डील करता है स्टेटस से, रेजिडेंसी स्टेटस से, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, ये सेक्शन 6 डील करता है। और काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं 1920 में जो कि जिसकी वजह से रेजिडेंट रूल्स उन पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। नोवल कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ पर सेक्शन 119 की पावर का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने इस क्लैरिफिकेशन को इशू किया है। तो मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको एक डेट देखनी पड़ेगी, 22 मार्च 2020। क्यों ये डेट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 22 मार्च को ही पहला लॉकडाउन यहाँ पर हुआ था, तो 22 मार्च के बाद कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई थी। तो ये क्लैरिफिकेशन किसके रिगार्डिंग एप्लीकेबल है? उन सभी लोगों के ऊपर जो कि 22 मार्च से पहले यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ए और सी यहाँ पर कवर करना चाहूँगा। तो एक वाली कैटेगरी में कौन से लोग हैं जो 22 मार्च से पहले आए थे लेकिन 31 मार्च तक जा नहीं पाए, यानी कि जो हम फाइनेंशियल ईयर कवर करेंगे तो 31 मार्च तक जा नहीं पाए। तो जो 22 मार्च को आए थे एंड हैज़ बीन अनेबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च 2020 टू 31 मार्च 2020 शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो वो वाला पीरियड यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो वाला पीरियड यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 22 मार्च से 31 पीरियड को यहां पर रिलैक्स किया गया है। अब उन लोगों का क्या जो 31 मार्च की डेट में चले गए थे? तो यहां पर सी कैटेगरी में वही वाले पर्सन है जो 22 मार्च से पहले आए थे और 31 मार्च से पहले चले गए। तो हैज डिपार्टेड ऑन एन इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, तो जो हैज डिपार्टेड जो 31 मार्च से पहले चले गए हैं, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च 2020 टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो उनका पीरियड 31 मार्च तक नहीं, उनका 22 मार्च से जिस भी दिन तक वो चले गए हैं वो वाला पीरियड उनका अकाउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर बात हो गई कि उन पर्सन्स के लिए जो 22 मार्च से पहले आए थे और या तो 31 मार्च से पहले नहीं जा पाए या फिर 31 मार्च से पहले चले गए, तो ए और सी कैटेगरी में तो वो कवर्ड होते हैं। बी कैटेगरी किसके लिए बनाई है? जिनको क्वारंटाइन कर लिया गया था, अब वो 31 मार्च से पहले अगर जा पाए तो भी वो इसी कैटेगरी में हैं और अगर नहीं जा पाए तो भी वो इसी कैटेगरी में हैं। तो अगर मैं बी वाली कैटेगरी कहूँगा तो वो क्वारंटाइन वाले पर्संस की कैटेगरी है। तो हैज़ बीन क्वारंटाइन इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ नोवल कोरोना वायरस ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2020, क्योंकि इंडिया ने क्वारंटाइन करना कब से स्टार्ट किया था? 1 मार्च 2020 के बाद। तो अगर किसी पर्सन को क्वारंटाइन कर लिया गया है 1 मार्च 2020, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये पूरी क्लैरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं पे लगती है जो 22 मार्च से पहले इंडिया में विजिट पे आए हैं। ऑब्वियसली उसके बाद कोई इंडिया में आ नहीं पाया था। तो अगर 22 मार्च से पहले कोई आया है और 1 मार्च के बाद या तो उसे क्वारंटाइन कर लिया गया था
एंड हैज़ डिपार्टेड। अब क्वारंटाइन वाले केसेस हैं, अब इसमें दोनों कैटेगरी आती हैं कि 31 मार्च से पहले या तो वो चला गया या फिर नहीं गया। तो पहला केस है एंड हैज़ डिपार्टेड ऑन एन इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, यानी कि वो 31 मार्च से पहले चला गया, और हैज़ बीन अनेबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 से पहले वो नहीं जा पाया। तो हिज पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिज क्वारंटाइन टू द डे हिज डेट ऑफ डिपार्चर और 31 मार्च 2020 एज द केस मे बी, अगर वो चला गया है तो टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर, और अगर नहीं जा पाया तो 31 मार्च 2020। बिगनिंग कहाँ से होगा उसका पीरियड? क्वारंटाइन डेट से। एज द केस मे बी शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है स्पेशली फॉर द नॉन रेजिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। और उनका ये वाला जो पीरियड है जो COVID-19 के चक्कर में वो इंडिया में रह गए हैं, वो यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये सर्कुलर समझ में आया होगा, पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर होगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।